बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज जदीन महबूब। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है वो हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में हमने, और जिसका नाम है नेटवर्क्स। और इस चैप्टर में हमने अपना दूसरा टॉपिक का स्टार्ट करना है। आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नेटवर्क का इंट्रोडक्शन दिया था, नेटवर्क क्या है, और उसकी पूरी डेप्थ में हमने डिस्कशन की थी। आज जो हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है नीड ऑफ अ नेटवर्क, नेटवर्क की जरूरत, नेटवर्क की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा, इसको हम इस टॉपिक को हम यूजेस ऑफ नेटवर्क के नाम से भी लिख सकते हैं। मतलब आपसे पूछे नेटवर्क की यूजेस क्या है तो उसका मतलब यही होगा। ठीक है, तो यूजेस, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क मतलब वही है। ठीक है, तो ये वर्ड्स अगर चेंज हो जाए, स्टेटमेंट चेंज हो जाए, तो इनका मतलब एक ही होगा। जैसे कि बुक में नीड ऑफ नेटवर्क ये लिखा हो, तो इसको हम यूजेस ऑफ नेटवर्क भी कह सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क भी कह सकते हैं। तो ये इंटरनेट की यूजेस हैं बेसिकली, जो अब हम डिस्कस करने लगे। इनमें से एक दो ऐसे हैं जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिए थे, लेकिन यहाँ पे अब उनकी डिटेल देखेंगे। तो ध्यान से आपने समझना है, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, नेटवर्क और उसके यूजेस, नेटवर्क और नीड ऑफ अ नेटवर्क, ये मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको समझना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस के नोट्स मैं आपको कहता हूँ कि अवेलेबल हैं, और स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें इजी वर्डिंग में तमाम नोट्स बने हुए हैं। इसके अलावा मुझे बहुत से लोग जो मुझसे बाय करते हैं नोट्स, वो मुझे भी एक दो दफ़ा मुझे लोगों ने कहा कि सर जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी सॉल्व कर दें, जो बुक के अंदर एक्टिविटीज़ हैं तमाम चैप्टर्स की। खासतौर पर कुछ टीचर्स ने मुझे ये कहा था कि सर एक्टिविटीज़ सॉल्व कर दें, बच्चों को करवानी होती है। तो एक गुड न्यूज़ है कि मैंने एक्टिविटीज़ भी सॉल्व कर दी हैं। जिन लोगों को मैंने नोट्स पहले दे दिए हुए हैं उनको मैंने वो एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज सेंड कर दी थी। अगर किसी को सेंड नहीं हो सकी तो वो मुझसे रब्ता कर ले, जिसने पहले परचेज कर ली हुए मुझसे नोट्स। ठीक है, तो मैं उनको जो है एक्टिविटीज़ सेंड कर देता हूँ क्योंकि मैंने सॉल्व कर ली हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नीड ऑफ अ नेटवर्क में सबसे पहले जो नेटवर्क का हमारे पास यूज़ है वो है फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग से क्या मुराद है? विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, जो हमने नेटवर्क बनाया होता है, फर्ज करते हैं ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, और ये तीसरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर नंबर 2, कंप्यूटर नंबर 3, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने इनको नेम दे दिए 1, 2, 3। अब ये तीनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। अब ये जो एक नेटवर्क है तीन कंप्यूटर्स का, ये आपस में फाइल्स को भी शेयर कर सकते हैं। वो चाहे इमेज वाली फाइल हो, मतलब कोई तस्वीर हो, कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, ये एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर का एक तरीका तो ये है कि ये एक दूसरे को वो डॉक्यूमेंट सेंड भी कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट इसको भेज देगा, या कोई फाइल इसको सेंड कर देगा, ये फाइल इसको सेंड कर देगा, ये इसको कर सकता है। आपस में ये फाइल्स का तबादला कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ फाइल्स कर सकते हैं। फाइल शेयरिंग की मिसाल ये भी है। बुक में उसने एक एग्जांपल दी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। वो कहता है कि 22 लाहौर, यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर, यानी जो हमारे बोर्ड हैं, बोर्ड वाले क्या करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट होता है, जो अनाउंस करते हैं वो हमारा रिजल्ट, वो रिजल्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देते हैं। हम लोग उसको वहाँ से यूज़ करते हैं, देख लेते हैं। वो क्या है? नेटवर्क है, इंटरनेट है। इंटरनेट भी तो नेटवर्क है ना, लास्ट टाइम आपको बताया था जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वो इंटरनेट होता है। तो वो लोग एक्चुअली करते क्या है, वो अपनी वेबसाइट पे शेयर कर देते हैं। जैसे हम फेसबुक पे नहीं शेयर करते कोई पोस्ट तो सारे लोग उसको देखते हैं, इस तरह वो अपनी वेबसाइट पे शेयर कर देते हैं हमारा रिजल्ट, तो वहां पे जाके उस रिजल्ट को देख पाते हैं। तो बेसिकली ये फाइल शेयरिंग की मिसाल है। ठीक है, इसी तरह से व्हाट्सएप के ऊपर हम पिक्चर शेयर करते हैं, फेसबुक के ऊपर हम अपनी पोस्ट शेयर करते हैं, ना पोस्ट वो हमारी वॉल पे, हमारी टाइमलाइन पे चले जाती है, सारे लोग उसको देख लेते हैं जो हमारी कम्युनिटी के अंदर है। तो ये फाइल शेयरिंग की एग्जांपल है। तो एक इंटरनेट का जो एडवांटेज है वो ये है। इसकी 3-4 मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे दिए, जिनमें से एक बुक वाली एग्जाम्पल भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि बेसिकली फाइल शेयरिंग से मुराद क्या है। कोई भी फाइल आप इंटरनेट के जरिए शेयर कर सकते हैं। अगर हमने उसको देखें, अगर इंटरनेट ना होता तो वो फाइल हम उसके पास जाके उसको देते, लेकिन अब क्या है कि अब फाइल हम अपने कंप्यूटर के अंदर ही होती है, हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हम फाइल शेयर कर देते हैं किसी के साथ बहुत ही ईजिली विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। दूसरा जो इसका फायदा है वो है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग से मुराद, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर नेटवर्क बना हो तो एक कंप्यूटर के साथ जो कोई लगा हुआ हार्डवेयर है वो बाकी भी यूज कर सकते हैं। हार्डवेयर लाइक प्रिंटर इसकी मिसाल है। अगर इस कंप्यूटर के साथ प्रिंटर है, प्रिंटर अटैच है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, फर्ज करते हैं कि एक लैब में बैठे हैं आप, फर्ज कर लें आपके स्कूल की जो लैब है उसके अंदर 10 कंप्यूटर मौजूद हैं। ठीक है, अब उन 10 कंप्यूटर्स पे जितने लोग बैठते हैं, जो भी लोग उसको यूज करते हैं कंप्यूटर्स को, उन सबको प्रिंटर की सहूलत चाहिए, सबने प्रिंट निकालना होता है।
लेकिन चूंकि वो एक ही रूम में है तो वो एक प्रिंटर लगा देंगे कंप्यूटर के साथ और बाकी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके नेटवर्क बना देंगे। अब इसी प्रिंटर को ये कंप्यूटर भी इस्तेमाल कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, इसे कहते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। सिर्फ प्रिंटर ही नहीं, सीडी रोम, डीवीडी रोम, ये सारी चीजें मतलब जितने भी हार्डवेयर हैं हम शेयर करवा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, देखें एक तो इसका फायदा एक और हो गया कि हमारे पैसे भी बच गए। यही प्रिंटर अगर अब ये नेटवर्क ना होता तो तमाम कंप्यूटर के साथ प्रिंटर ला के रखना पड़ना था, तो पैसे कितने ज्यादा हमारे बच गए। अगर 10 कंप्यूटर्स हैं और 10 प्रिंटर हम ले आते और फर्ज करते हैं कि 5000 मिनिमम भी अगर हम कहें कि 5000 का एक प्रिंटर हमें पड़ रहा है, तो 5000 और 10 प्रिंटर है, इसका मतलब है कि हमें कितने पैसे पड़ गए, हमें 50000 रुपया पड़ गया, यानी 50000 कॉस्ट आ गई। लेकिन ऐसा करने की बजाय हमने नेटवर्क बनाया और एक प्रिंटर लिया, तो 45000 रुपीज हमारे बच गए। ठीक है, तो 45000 रुपीज का हमें फायदा हो गया। तो ये भी एक इसका फायदा है हार्डवेयर शेयरिंग के अंदर, ये भी चीज हम लिख सकते हैं कि इसके जरिए हमारे पैसे भी बच जाते हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव वे है। ठीक है, अब तीसरा जो इसका फायदा नेटवर्क का, जो नीड है नेटवर्क की, वो है एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन से मतलब सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं। अगर एक कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, अगर एक कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है नेटवर्क के अंदर, बाकी कंप्यूटर उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं हालांकि उनके ऊपर इंस्टॉल नहीं है। फर्ज करते हैं कि इस कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, इनके ऊपर नहीं है, तो ये दोनों सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इसके कंप्यूटर पे है लेकिन यूज ये भी कर सकते हैं, ये भी एक नेटवर्क का फायदा है कि बजाय इसके भी ये भी अपने कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करे, ये भी करे, तो इसके ऊपर इंस्टॉल है बाकी उसको यूज कर लेते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन शेयरिंग यानी सॉफ्टवेयर शेयरिंग भी इसके अंदर आती है। ठीक है, अच्छा चौथा इसका जो फायदा है वो है शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। एक इंटरनेट कनेक्शन लगवाया एक बंदे ने और बाकी लोग उसको यूज कर रहे हैं। आजकल गली मोहल्लों में ऐसे लोग कर रहे हैं कि एक घर में किसी ने इंटरनेट लगवाया और वो अपने दोस्तों को और अपने नेबर्स को वो कहता है कि यार मैंने इंटरनेट लगवाया, इतना मुझे इसका बिल आता है, तो हम बिल शेयर कर लेंगे, तो इंटरनेट भी शेयर कर लेते, तो वो एक इंटरनेट शेयर कर लिया जाता है। या फिर एक घर के अंदर एक जो है वो इंटरनेट कनेक्शन आता है, घर के सारे अफराद यूज करते हैं, ये तो हम सब ही करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाईफाई, विद द हेल्प ऑफ हॉटस्पॉट, हम लोग क्या करते हैं कि एक इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क है तो कर रहे हैं ना, कि एक इंटरनेट आया, हमने मॉडेम लगा लिया, उस मॉडेम के साथ बाकी तमाम लोग कनेक्ट हो गए, उसका पासवर्ड बता दिया, वाईफाई जिसे हम कहते हैं। तो ये भी एक इसकी एग्जांपल है शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। एक इंटरनेट कनेक्शन लगवाया और जितने मर्जी लोग उसको यूज कर सकते हैं, जिनके पास पासवर्ड है वो वायरलेसली उसको कर सकते हैं, या हम किसी को वायर दे सकते हैं मॉडेम के साथ अटैच करके, जैसे मैंने आपको बताया आजकल इलाकों में लोग कर रहे हैं। तो ये इसका चौथा फायदा है। ठीक है, इसके अलावा पांचवा इसका फायदा है यूजर कम्युनिकेशन। यूजर कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर विद इन नो टाइम, यानी कोई हमें टाइम नहीं लगता, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं। लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंस की मिसाल है, वीडियो कॉल जो हम करते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप इसकी मिसाल है। ठीक है, एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इंटरेस्टिंग सी, कि एक बिल्डिंग है, एक ऑफिस है, ठीक है, उस बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ रूम्स हैं और वो कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्होंने आपस में मीटिंग करनी है, तो वो अपनी जगह से ना भी उठे अगर उन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ है, मतलब अपने कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हुए हैं। फर्ज करते हैं उस बिल्डिंग के अंदर तीन ऑफिस हैं, 1, 2 और 3, ठीक है, वो आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जगह से उठने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो कॉल ऑन करेंगे, तीनों ऑफिस में कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। लाइक व्हाट्सएप के ऊपर भी आजकल हम एक से ज्यादा लोगों को ऐड करके वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो ये क्या है, यूजर कम्युनिकेशन के जो यूजर है, जो इंटरनेट का यूजर है, वो एक दूसरे के साथ, वो किसी भी दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, चाहे वो दुनिया की किसी भी लोकेशन पे बैठा हो। तो ये भी एक नेटवर्क का फायदा है, क्योंकि इंटरनेट भी तो एक नेटवर्क है ना। मैंने आपको बताया कि इंटरनेट जो है दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसमें मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड है विद ईच अदर, पूरी दुनिया के कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये इसका हमारे पास चौथा फायदा है, सॉरी पांचवा। अब पढ़ते हैं छठा, यानी सिक्स्थ, इसका जो यूज है, जो नीड है नेटवर्क की, वो क्या है। लास्ट जो इसका एडवांटेज है, जो इसका यूज है, वो ये है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का बढ़ जाना नेटवर्क की वजह से। नेटवर्क की शॉर्ट फॉर्म होती है नेट, ठीक है, NET, नेट स्टैंड फॉर नेटवर्क। तो नेट जो है, यानी नेटवर्क जो है, इसके जरिए से हम अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने से, अच्छा स्टोरेज कैपेसिटी होती क्या, पहले तो ये समझें।
हमारे कंप्यूटर की कितनी मेमोरी है जिसमें वो डाटा स्टोर कर रहे हैं, स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं। जैसे हमारे मोबाइल की मेमोरी होती है 32 GB के मोबाइल फोन होते हैं जिसके अंदर 32 GB का डाटा स्टोर किया जा सकता है, 64 के 128 तक के भी मौजूद है मार्केट में। जैसे मोबाइल की मेमोरी होती है, इसी तरह से हमारे कंप्यूटर्स की भी अपनी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क के अंदर डाटा स्टोर होता है। तो अब क्या फ़ायदा हुआ हमें नेटवर्क का कि इस कंप्यूटर के पास इतनी मेमोरी नहीं थी कि वो इतना ज़्यादा डाटा स्टोर कर सके, लेकिन इसने यूज़ करना है उस डाटे को, देखना है उस डाटे को। तो नेटवर्क के अंदर दूसरा कंप्यूटर जिसके ऊपर वो डाटा पड़ा हुआ है ये उसको यूज़ कर सकता है। वो डाटा इसके कंप्यूटर पे सेव नहीं है लेकिन ये उसको यूज़ कर सकता है। बड़ी एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, देख रहे हैं ना, आप अपने मोबाइल या लैपटॉप या सिस्टम पे देख रहे हैं, ऐसे ही है जिस पे भी देख रहे हैं, अपनी किसी चीज़ पे अपने कंप्यूटर पे देख रहे हैं या मोबाइल पे देख रहे हैं। लेकिन क्या आपके मोबाइल की स्पेस ली है इस वीडियो ने? अगर तो आप इसे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर डाउनलोड किया फिर तो ज़्यादा स्पेस ली होगी। लेकिन क्या यूट्यूब के ऊपर जितनी भी वीडियोज़ मौजूद हैं जिन्हें हम किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, वीडियोज़ को यूज़ करने से मतलब देख ही रहे हैं ना वीडियोज़ को, तो उन वीडियोज़ ने क्या हमारे मोबाइल की, क्या हमारे कंप्यूटर की, लैपटॉप की जगह ली हुई है? क्या हमारी स्टोरेज कैपेसिटी को यूज़ कर रही, नहीं कर रही? यानी इंटरनेट की वजह से हम किसी और कंप्यूटर पर पड़ा हुआ डाटा देख रहे हैं। तो ये जो वीडियो मौजूद है ये कहाँ पे मौजूद है? यूट्यूब के पास जो कंप्यूटर जिसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, ये आगे जाके पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, सिर्फ इतना सोचना कि जितना डाटा यूट्यूब का मौजूद है, जितनी वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है वो किसी कंप्यूटर पर सेव है। तो स्टोरेज मेमोरी इतनी हमारे कंप्यूटर की नहीं है कि यूट्यूब पे जितनी वीडियोज़ हैं वो हम अपने कंप्यूटर पे पहले डाउनलोड करें, सेव करें, फिर देखें। तो हम उनको वहीं से देख लेते हैं हम अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल में देख रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली वो हमारे मोबाइल की जगह नहीं ले रही होती। तो हमारी स्टोरेज स्पेस इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं कि हमारी कंप्यूटर की मेमोरी बढ़ गई है, इससे मतलब ये है कि हमारी मेमोरी थोड़ी है लेकिन फिर भी हम ज़्यादा मेमोरी वाली चीज़ देख रहे हैं, इससे ये मुराद है। तो ये 6 इसके एडवांटेजेस थे, यूजेस थे, या हम कह सकते हैं नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी। नीड ऑफ नेटवर्क से मुराद है कि नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी, इन चीज़ों की वजह से ज़रूरत पड़ी। हम चाहते थे कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कम भी है तो हम ज़्यादा डाटे को देख सकें, हम डाटा शेयर कर सकें, वीडियो कॉल कर सकें, एक इंटरनेट कनेक्शन शेयर कर सकें, हार्डवेयर शेयर कर सकें, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन शेयर कर सकें। ये 6 इसके फ़वाद थे, और भी होते हैं लेकिन बुक में जो मैंशन है वही मैंने बताया। तो ये इसके 6 एडवांटेजेस थे जिनको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने नेटवर्क बनाया और नेटवर्क से हम फिर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बात की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।